जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे को डाके पड़ते हैं ना, क्योंकि आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। कुछ खबरें सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक्वामी मार्केट में $1 भी ऑयल की डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीज दूंगा इंशाल्लाह। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 6.72 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। हर फैसले का जिम्मेदार हूँ ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, वजारत खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। गुज़िश्ता दिनों डॉलर 235 पर था तो हमने पेट्रोल 3 रुपये सस्ता किया, तो किसी ने नहीं पूछा। अब अगला हदफ महंगाई कम करना है जिसमें पेट्रोल और डीजल नीचे लाना हदफ है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है, इस तरह के फैसलों पर मशावरत ज़रूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं और आवाम को रिलीफ देना ही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आसिफ जरदारी का कहना था कि वज़ीर आज़म के साथ हैं और जल्द उनसे मुलाकात करूँगा जिसमें मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। कुछ खबरें सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक्वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीज दूंगा। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, क्योंकि आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है।